मेरे लिए आवाज उठी उसी वक्त का मेरा ये गीत आप सबकी आवाज बनकर मैंने लिखा है। आज आप सबकी आवाज बनकर मैं पेश करती हूँ एक सच्ची हिंदुस्तानी की दाद आनी चाहिए आपकी शिरकत उसी तरह से होनी चाहिए। मैं गीत पढ़ती हूँ मुलाजा करें देखें बिल्कुल आग धुआं नफरत फेरी और जीत हुई शैतान की आग धुआं नफरत फेरी और जीत हुई शैतान ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। आपने हुक्म दिया आपकी जिम्मेदारी कि आप कैसे सुनते हैं। आग धुआं नफरत फैली और जीत हुई शैतान की ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की ये कैसी आमची मुंबई आमची मुंबई मुंबई का ही एक नारा था कि मुंबई हमारा है। आमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ही गाओगे आमची मुंबई कहने वालों कब तक राग ही गाओगे क्या शहर बंबई को अपनी चिता में लेकर जाओगे क्या शहर बंबई को अपनी चिता बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दुआएं दी। बंद पढ़ती हूँ तुम तो बंद गली के अंदर बैठ के शोर मचाते हो तुम तो बंद गली के अंदर बैठ के शोर मचाते हो बड़े बहादुर बनते हो और कमजोरों को सताते हो बड़े बहादुर बनते हो और कमजोरों को सताते हो ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। बतौर खास ये बंद पेश करती हूँ मुलाहजा करें कि अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे नाम खुला संदेश ये अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे नाम खुला संदेश ये पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये पंजाबी गुजराती बिहारी सब लोगों का देश ये तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है तुमने तो बस मजलूमों का बेजा खून बहाया है इस गुलशन उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है इस गुलशन पर उसका हक है जिसने खुद को मिटाया है ये धरती है भगत सिंह की और टीपू सुल्तान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने और इस गीत का आखिरी बंद करती हूँ कि वैसे तो हम भूले हरे
लगते हैं। वैसे तो हम फूल हैं लेकिन कांटा भी बन सकते हैं। मोम के जैसा दिल है अपना शोला भी बन सकते हैं। मोम के जैसा